मारुति जी ने खुद सेकंड गाड़ी रुकवाई, इशारा किया और उनका समर्थन जाकर मुख्य साहब को वो भेंट दिया। जी मोदी जी वहाँ पे खुद रुके और उन्होंने अपने कमांडो से इशारा किया और दो बार इशारा किया कि वहाँ पे जो है बुके भेजा जाए। और बड़े गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री बगैर सिक्योरिटी के गुलदस्ता ले लिया उन्होंने। इससे बढ़ के हमसे फर्क की बात नहीं होगी, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा तोड़ के गुलदस्ता लिया। साल जो दिया गया है वो कौन सा साल जो है आपके बनारसी का साल पड़ा हुआ साल है जो स्वयं मोदी जी ने साल को लेके अपने सर पे रखा। कितना गर्व महसूस होता है एक भारतीय होने के नाते, एक प्रधानमंत्री और गुर्जर समाज बहुत ही ज्यादा उत्साहित गुर्जर समाज है। और पहले से स्थिति बदली है, खास तौर से बनारस की स्थिति बदली है कि गुर्जर समाज जो है अपने उनका समझ महसूस कर रहा है कि हमारे सांसद जो है देश के प्रधानमंत्री। जुड़ाव बढ़ा है, जुड़ाव बढ़ा है 100% बढ़ा है। अब मुस्लिम क्या सोचते हैं? अब मुस्लिम जो है जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिसको परिणाम आपने देखा। चंद साहब आपने वहाँ बड़े गर्मजोशी से स्वागत की पूरी तैयारियां कर रखी थी, मंगल ध्वनि शहनाई। जी शहनाई भी वहाँ बजी, उस्ताद बिजनेस कर साहब ने शहनाई बजाई और अच्छी शहनाई बजाई, क्योंकि यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की नगरी थी, भारत रत्न से नवाजे गए थे, इसलिए शहनाई भी हम लोग ने बजवाई गई। तीन दिन लगातार वाराणसी में आना जाना रहेगा, आज भी अभी शाम को आएंगे, कल भी, तो कल और परसों के लिए कोई तैयारी है जिनका समाज की तरफ से आप लोगों को? हाँ, हम लोग की तैयारी ये है कि मोदी जी के तमाम प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और अभी ये पद्मजनों का प्रोग्राम है, उसमें मोदी जी के बुनकर समाज के लोग और भी समाज के लोग उसमें सम्मिलित हैं मोदी जी के साथ। कुछ भेंट करने की योजना? अभी तो फिलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन अभी आगे प्लानिंग किया जाएगा तो भेंट किया जाएगा। मतलब बताएंगे? नहीं, अभी फिलहाल कोई बताने का इरादा नहीं है। करेंगे जी, कुछ ना कुछ होगा।